हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ज्वाइंट फोटो किस तरीके से बनाते हैं और उसका आसान से आसान तरीका मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और अभी फोटोशॉप एडोबे फोटोशॉप 7.0 में, क्योंकि ये सभी के कंप्यूटर और सभी के लैपटॉप में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पास मैं दो फोटो रखा हूँ, यहाँ पास ये मेरा खुद का फोटो है और दूसरा यहाँ पास एक मॉडल का फोटो है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ज्वाइंट फोटो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इन दोनों फोटो को पहले एक जगह करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए विड्थ में दे देना है 1.2, ठीक है, इस तरीके से, और हाइट में दे देना है 1.4 और रेजुलेशन में 300 दे देना है, ठीक है। यहाँ माउस के कर्सर के पास आप देख सकते हैं और थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए, ठीक है, जितना अच्छा लगे आपको। इस तरीके से मेरे को यहाँ इतना अच्छा लगा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, एक ये हो गया। और दूसरा मैं खुद के इमेज को भी इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा और इतना करने के बाद इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। अब इन दोनों को एक जगह में करूँगा, तो यहाँ पास न्यू मिलेंगे और यहाँ पास 4x6 का एक इमेज बना लेते हैं, इस तरीके से एक न्यू जो पेज है उसको बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पर सॉरी यहाँ पास मूव टूल पकड़ेंगे और इसको पकड़ करके यहाँ ड्रैग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी इसी तरीके से ड्रैग करेंगे। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैनेज एक जगह पे इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कुछ हद तक अच्छा लगने लगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको क्रॉप करना है, ठीक है, इसको इन दोनों को क्रॉप करना है। तो ये जो पहले हम लिखे थे 1.2, इसको डिलीट कर देना है, इस तरीके से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको क्रॉप करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्रॉप करना है। अब आसानी के साथ में इस तरीके से क्रॉप हो गया। अब होने के बाद हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम इस लड़की वाले लेयर को हम पकड़ेंगे, ये मॉडल वाले को, और इस तरीके से इसको इस मैजिक टूल के थ्रू हम इसको पकड़ करके इस तरीके से हम जब क्लिक करेंगे तो आराम से देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। इस मैजिक टूल को लेंगे हम यहाँ पास, इसका टॉलरेंस हम 32 में रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद इस तरीके से करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे, इस तरीके से सिंगल क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्शन बन जाएगा, और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पीछे वाला बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। अभी इस लेयर पैलेट में देखिए आपको दूसरा जो है हमारा खुद का इमेज है, यहाँ पास आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, उसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसके पीछे वाले को इस तरीके से इसको हम सिलेक्शन बना करके इसको डिलीट कर देंगे बैक स्पेस से। अब देखिए सबका एक कलर हो गया दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे टूल बार में, और टूल बार में देखिए आपको यहाँ पास नीचे पास दिखेगा कलर, ठीक है, इस कलर में आइए। आपको यहाँ बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है कलर, तो बैकग्राउंड पे हम एक बार इस तरीके से क्लिक करेंगे, आपको जो भी कलर पसंद हो उस कलर को ले लीजिए। मेरे को यहाँ पे इस तरीके से रेड को ले लेता हूँ, ठीक है। रेड को लेने के बाद इस तरीके से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो देखिए इसमें भी चढ़ गया, ठीक है। तो हम इसके इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लेयर फर्स्ट वाला में सिलेक्शन था, तो हम यहाँ नीचे वाले में सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखो दोनों में चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट फोटो बना सकते हैं। फिर कंट्रोल के साथ में डी प्रेस बटन को प्रेस करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ई बटन को प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से दोनों मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज करने के बाद, मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद आपको करना क्या है कि एक और पेज बनाइए, इस तरीके से 4x6 का ही एक पेज बना लीजिए, इस तरीके से। बनाने के बाद मूव टूल को पकड़िए और इसको पकड़ करके यहाँ ड्रैग करके ले जाइए, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पास इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए। तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए कंट्रोल के साथ में टी बटन प्रेस कीजिए और हल्का सा शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए इस तरीके से इसको हल्का सा इतना छोटा कर दीजिए। इसके बाद अल्ट बटन को प्रेस किए हुए इस तरीके से हम इसको यहाँ पास एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अब क्या करना है, इसको हमको बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद स्टॉक में आने के बाद जो भी कलर आपको पसंद है, मैं यहाँ पे ब्लैक को ही लेता हूँ और इस तरीके से करता हूँ, देखिए यहाँ पास बॉर्डर लग गया। इसके बाद अल्ट बटन को प्रेस करके इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आसानी के साथ में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके का मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूँ, कंप्यूटर सिखाते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, और खूबसूरत लगा है तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।